नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच बुधवार 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाना है। पिंक बॉल से डे नाइट फॉर्मेट में खेले जाने वाले इस तीसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमें इस समय अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं और अभ्यास कर रही हैं। पहले मैच में 227 रनों से हार के बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 317 रनों से हराया। इसके साथ ही भारतीय टीम के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो सीरीज के बचे बाकी दोनों मैचों में हार को टालना होगा और कम से कम एक मैच में जीत हासिल करना ज़रूरी है। इस बारे में रविवार को जब सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फाइनल की टिकट के लिए आखिरकार भारतीय टीम का क्या प्लान है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। हम भी क्वालिफाई करना चाहते हैं और जब हम खेल रहे होंगे हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे हम जीत हासिल करने के लिए चीज़ें सही कर सकते हैं। फाइनल में पहुंचने से पहले जीत हमारे लिए ज़रूरी है, जिसके लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और इसमें सबसे अहम है कि हम वर्तमान में रहकर अपने प्लान को सही तरीके से अंजाम दे सकें। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने बुधवार से खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट मैच को लेकर बताया कि बल्लेबाजों के लिए किस वक्त गेंदबाजों का सामना करना सबसे मुश्किल रहने वाला है। उन्होंने कहा, हमारे लिए ये तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच है और मैंने अब तक सिर्फ एक बार ही बांग्लादेश के खिलाफ पिंक बॉल से टेस्ट मैच खेला है। मैंने टीम के साथ ही खिलाड़ियों से सुना है कि जब सूरज ढलने वाला होता है तो उस वक्त गेंद को खेल पाना थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मौसम और रोशनी से परिस्थितियां बदल जाती हैं और इस वक्त आपको ज़्यादा फोकस और सावधान रहने की ज़रूरत होती है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पर इंडिया।